वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन चीज़ों को हम लोग हैंडल करते हैं, काइन मास्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को समझाएं। दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको ऑडियो का, तो आप यहाँ ऑडियो पर प्रेस करके कोई भी अपना म्यूजिक असिस्ट या SFX असिस्ट या रिकॉर्डेड और सॉन्ग्स, यहाँ पर आप इसको प्लस करके यहाँ पर आप ईजिली इसको एड ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्लाइड शो कर रहे हैं इसमें आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है इसका यूज़ करने में, तो आप यहाँ पे ये एरो बना है इसको आप प्रेस करोगे। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर आसानी से आप मूवमेंट में दिखाई देगा और आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो कि आपने कौन कौन से इफेक्ट्स जो है इनको यूज़ किया हुआ है। तो ये काइन मास्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप देख सकते हो इस तरह से यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आपका वीडियो इफेक्टिंग तैयार हो गया है। उसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर ऑडियो को रिमूव करना है, ऑडियो हटाना है, तो आप पर्टिकुलर कोई भी जहाँ पर ऑडियो होगा तो आपको पर्टिकुलर लेयर को पकड़ना होगा और उसका नीचे आप क्या आप आएंगे तो यहाँ पर ऑडियो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है अभी तो इसलिए दिखा रहा है। जैसे आप ऑडियो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, और उसके बाद आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो कोई भी ऑडियो वीड, उसके बाद आप उसको पकड़ के मिनिमाइज़ कर दोगे तो ऑडियो स्टॉप हो जाएगा और यहाँ से आप वॉइस ओवर आसान से कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद अगर बात कर ले तो क्लिप ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है, दिस वन योर क्लिप ग्राफिक्स, देर आर वेरियस टूल्स। यहाँ पे आपको टाइटल यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे ये टाइटल को दिखाई देगा। जैसे सपोज मैंने लिख दिया हाय, ओके, अभी देखो दिस वन योर टाइटल यहाँ पर शो कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो, उस तरह से आप प्रेस करके उसको बार बार चेकआउट भी कर सकते हो, जो जो इफेक्ट्स लगाए हैं पर्टिकुलर किसी इफेक्ट को हटाना है तो आप उसको प्रेस करके वहाँ से हटा भी सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका फाइनल अगर वीडियो प्रिपेयर हो गया तो आपको इस वाले आइकन पर टिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका 720, 540, 480p पिक्सल्स, 360 तक आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन दिखाएगा और यहाँ पर आपको फ्रेम रेट मिलेगा 30, 25, 24, 15, 12। तो दोस्तों आप यहाँ से आप इसको बिट रेट को हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, तो जनरली आप 720 या 30 रखिए तो बेस्ट वीडियो क्वालिटी मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट करने में थोड़ा समय लेगा और जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आपका ये काइन मास्टर के पे ऑटोमेटिकली सेव भी रह जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो लेयर्स में जाना है दोस्तों, लेयर्स में आपको यहाँ पे बहुत इफेक्ट मिलेंगे, मीडिया इफेक्ट, ओवर लेयर, टैक्स और हैंड राइटिंग, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो जो होता है वो एनिमेटेड हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।